Hi friends, now in this lesson we are going to discuss a very important topic of physics from NEET point of view, and that is simple harmonic motion. So we are going to discuss some important questions and concepts related to that topic. But before proceeding ahead, I should tell you that this topic is long, but the syllabus of NEET and what NEET loves to ask from this topic is really a bit small, okay? So watch this video to learn which concepts from SHM are more important from exam point of view and how to approach to that. Thanks. Now, before discussing all the questions, हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि SHM में क्या क्या चीज़ें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या नहीं है. ओके, तो द फर्स्ट थिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ इज कि SHM में सिलेबस क्या है नीट का. वो ये है कि पीरियडिक मोशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या होती है, यानी आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं उसे. उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फेज डिफरेंस वगैरह कैलकुलेट करना, उसके मोशन के बारे में समझना, एंड स्प्रिंग मास सिस्टम. तो मतलब जितने भी टाइम पीरियड कैलकुलेशन के क्वेश्चन हैं उनमें सिर्फ स्प्रिंग मास वाला क्वेश्चन आएगा और नए केसेस शायद ही आएंगे. ओके, उसके बाद पेंडुलम्स में सिर्फ सिंपल पेंडुलम्स है सिलेबस में, यानी फिजिकल पेंडुलम्स वगैरह सिलेबस में नहीं है. एंड एनर्जी ऑफ SHM एंड डैम्ड SHM वगैरह का बिल्कुल क्वालिटेटिव आइडिया ऐसा सिलेबस में लिखा हुआ है, मतलब उसके न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकते, बस क्वालिटेटिव चीजें आ सकती हैं, थ्योरेटिकल चीजें आ सकती हैं. ओके, तो अगर आप SHM में कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपने ये लेसन ढंग से नहीं कर रखा है और आपको रिविजन की जरूरत है, तो मैंने अन अकेडमी पे SHM का एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है, विच वॉज एक्चुअली माई फर्स्ट कोर्स अन अकेडमी. तो उसमें टोटल 22 लेसन हैं, आपको सारे 22 लेसन नहीं देखने हैं, आप लेसन नंबर 2 से लेसन नंबर 13 तक देख लो, उसके बाद सिंपल पेंडुलम वाला लेसन देख लो, और उसके बाद एनर्जी ऑफ SHM का 2 लेसन है बिल्कुल लास्ट में, वो 2 देख लो. सो यू विल नीड टू गो थ्रू ओनली 15 लेसन आउट ऑफ दोज 22 लेसन, एंड इट वुड टेक हार्डली 2 or 2.5 hours टू गो थ्रू ऑल दोज लेसन इन ऑर्डर टू हैव ए कंप्लीट व्यू ऑफ SHM फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, एंड अगर इन क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आप SHM में कॉन्फिडेंट हो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, देन लेट्स सॉल्व दीज 5 क्वेश्चन विच आई हैव इंक्लूडेड इन दिस लेसन. और इनमें से अगर कोई खास क्वेश्चन आपको करने में डिफिकल्टी हो रही है, देन आई विल प्रिस्क्राइब यू द लेसन विच यू नीड टू सी फ्रॉम दैट कोर्स, ताकि आपको का वो कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाए. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एक मास है 1 kg का, जिसे हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, वो ऑसिलेट कर रहा है 4 cm के एम्पलीट्यूड से. t = 0 टाइम पे देखा गया कि वो जो मास है वो x = +2 cm पे है और लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है. तो इन चार में से कौन सी इक्वेशन इस SHM की करेक्ट इक्वेशन डिस्क्राइब कर रहा है. ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड दिया हुआ 4 cm, ओमेगा √k/m होता है, आई होप यू रिमेंबर, t = 2π√m/k एंड ओमेगा √k/m. तो k और m की वैल्यू पुट की ओमेगा 10 आ गया. नाउ वी नो कि x = a sin ωt+5 या a cos ωt+5 लिख सकते हैं. सारे ऑप्शन साइन वाले केस के ही हैं, तो हम साइन ही मान लेते हैं. सो हमने मान लिया कि इक्वेशन ऑफ SHM जो है वो a sin ωt+5 है, a की वैल्यू पुट की, ओमेगा की वैल्यू पुट की. द ओनली थिंग विच वी डोंट नो इज द वैल्यू ऑफ फाई, और हमें फाई की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो 2 ऑप्शंस तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, बस 2 ऑप्शन बचे हैं. नाउ दिया हुआ है कि t = 0 पे x + 2 cm है, तो जब t 0 पुट करेंगे हम तो x + 2 आना चाहिए. तो t = 0 पुट किया, x = +2 पुट किया, एंड वी गॉट sin φ = 1/2. नाउ sin φ 1/2 तभी हो सकता है जब फाई या 30 degree हो या 150 degree हो. आप 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री पे सिर्फ नहीं जाएंगे कि सिर्फ 30 degree हो सकता है, एक्चुअली 150 degree भी हो सकता है. ओके, सो इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आपको बच्चों आनी चाहिए. नाउ फाई की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, π/6 एंड 5π/6, और इन दोनों में से कौन सी वैल्यू होगी, इसके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में. वो ये है कि t = 0 पे बॉडी x = +2 cm पे तो था ही, बट वो लेफ्ट की तरफ भी मूव कर रहा था, और अगर वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था तो मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए. नाउ वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं x को डिफरेंशिएट करके, तो हमने इसे डिफरेंशिएट किया, 4 cm × 10 बाहर आ जाएगा, 10 sin cos 10t+5. नाउ एट t = 0 ये 10t 0 हो जाएगा, एंड वी विल गेट 0.4 m/s cm × 10, तो 0.4 हो जाएगा, 0.4 m/s cos φ. नाउ एट t = 0 वेलोसिटी शुड बी नेगेटिव, विच मीन्स cos φ शुड बी नेगेटिव. अब जरा सोचो, cos 30 degree नेगेटिव होता है या cos 150 degree? द आंसर इज cos 150 degree. सो φ विल बी 5π/6, एंड द फाइनल इक्वेशन विल बिकम x = 4 cm sin 10t + 5π/6. सो दैट्स योर आंसर. ओके,
अगर इस क्वेश्चन को करने में तुम्हें डिफिकल्टी हुई है देन यू कैन सी द लेसन नंबर आई डोंट थिंक 3 or 4 जिसमें मीनिंग ऑफ कॉन्स्टेंट्स डिस्क्राइब कर रखा है मैंने. अगर वो लेसन आप देख लोगे तो आई थिंक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफ़ी हद तक आसानी होनी चाहिए. ओके नाउ लेट्स सी नेक्स्ट लेसन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि एक SHM है जिसकी एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड टी है, और हमें बताना है कि उस SHM की मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज स्पीड क्या हो सकती है टू कवर ए टोटल डिस्टेंस ऑफ ए. तो अब अपने ऑसिलेशन के समय वो कई बार ए डिस्टेंस क्रॉस कर रहा होगा, मतलब वो मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा तक जा रहा होगा तब भी वो ए डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, वो माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू तक जा रहा होगा तब भी ए डिस्टेंस टोटल कवर कर रहा होगा, माइनस ए बाई थ्री से टू ए बाई थ्री जा रहा होगा तब भी ए डिस्टेंस कवर कर रहा होगा. सो देयर विल बी मेनी केसेस जिसमें वो टोटल डिस्टेंस ऑफ ए कवर कर रहा होगा. हमें बताना है कि उन सब में से मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज स्पीड कब हो सकती है उसकी जब वो ए डिस्टेंस कवर करे. नाउ दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली ट्रिकियर एंड नीट के लेवल से थोड़ा ऊपर ही है ये, बट सॉल्यूशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर बात चमक जाए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसे कैसे सॉल्व करना है. अगर ये आप कैच कर ले तो देन इट्स ओके. ओके सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. नाउ वी नो एवरेज स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है. डिस्टेंस हमें टोटल कवर करना है कैपिटल ए, तो एवरेज स्पीड मैक्सिमम होने के लिए टाइम मिनिमम होना चाहिए. तो हमें मेनली ये निकालना है कि SHM में जा रहा पार्टिकल जो है वो टोटल डिस्टेंस ए कब से कब तक कवर करे कि उसको सबसे कम टाइम लगे उतना डिस्टेंस कवर करने में. ओके नाउ यू शुड नो कि पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो मीन पोजिशन पर मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजिशन पर जीरो हो जाती है. और जैसे जैसे वो मीन पोजिशन से दूर जा रहा होता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर या फिर राइट हैंड साइड पर, बट जैसे जैसे वो मीन पोजिशन से दूर जा रहा होता है उसकी स्पीड घटती जाती है. तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल की स्पीड सबसे ज्यादा तब होती है जब अपने मीन पोजीशन के अराउंड होता है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, इट्स सिमेट्रिकल राइट. सो हम चाहते हैं कि एवरेज स्पीड मैक्सिमम मिले या फिर ए डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम मिनिमम लगे, और उसके लिए ऑब्वियसली मिनिमम टाइम तब लगेगा जब वो माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू तक मूव कर रहा होगा. क्यों? क्योंकि मीन पोजिशन के आसपास ही टाइम सबसे कम लगने वाला है क्योंकि उस समय SHM की स्पीड सबसे ज्यादा होती है. सो वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम माइनस ए बाई टू टू प्लस ए बाई टू. नाउ बच्चों माइनस ए बाई टू से जीरो जाने में टी बाई ट्वेल्व टाइम लगता है. आई होप यू रिमेंबर दिस. अगर नहीं याद है तो याद रख लो कि जीरो से ए बाई टू में टी बाई ट्वेल्व लगता है और ए बाई टू से ए में टी बाई सिक्स लगता है. ओके तो यहां से यहां टी बाई ट्वेल्व, फिर यहां से यहां टी बाई ट्वेल्व, द टोटल टाइम विल बी टी बाई सिक्स, टोटल डिस्टेंस इज ए, सो एवरेज स्पीड विल कम सिक्स ए बाई टी, दैट्स योर आंसर. ओके एंड ये टी बाई ट्वेल्व टाइम कैसे आया अगर आपको ये समझना है तो आप मेरे उस कोर्स का टाइम टेकन फॉर ए मूवमेंट वाला लेसन देख सकते हो, एंड स्पीड्स किस तरह से चेंज हो रही होती है डिस्प्लेसमेंट के साथ ये सब समझने के लिए आप मोशन ऑफ पार्टिकल देख सकते हो, मोशन ऑफ पार्टिकल और मोशन ऑफ SHM वाला वीडियो देख सकते हो. उसमें दो वीडियोज है मेरे पास, तो वो दोनों आप देख सकते हो. उससे आपको स्पीड एक्सेलरेशन सबके कैलकुलेशन का फंडा भी पता चल जाएगा. ओके नाउ यहां पे मैं आपको बता दूं कि फेज कैलकुलेशन, स्पीड कैलकुलेशन, मोशन ऑफ पार्टिकल, SHM की इक्वेशन लिखना, ये सब शायद स्प्रिंग मास सिस्टम्स और पेंडुलम्स वगैरह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पर्पस के लिए. ओके सो आई वुड रियली रियली रिकमेंड यू कि आप उस कोर्स का लेसन नंबर 2 से 13 तक तो देख ही लें, ताकि आपको एक 2 से 9-10 तक, ताकि आपको SHM का जो बेसिक्स है उसके मोशन किस तरह से होते हैं उसका एक अच्छा सा आइडिया मिल सके. नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आप खुद से पढ़ लो है, क्योंकि क्वेश्चन में के इंटरप्रिटेशन में बहुत कुछ है, एंड क्वेश्चन खुद से पढ़ो पॉज करके, उसका सोचो, सॉल्व करने की कोशिश करो. इट्स नॉट ए न्यूमेरिकल, इट्स ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो सॉल्व करने की कोशिश करो एंड लेट्स नाउ सी द सॉल्यूशन. ओके नाउ शुरू में यह दिया हुआ है कि पार्टिकल को, सॉरी ब्लॉक को हमने जेंटली छोड़ दिया तब जब स्प्रिंग रिलैक्स थी. अब वो कुछ दूर तक नीचे जाएगा और मीन पोजिशन उसकी तब होगी जब उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. नाउ नेट फोर्स जीरो होने के लिए नीचे फोर्स mg है, ऊपर फोर्स मान लेते हैं kx नॉट है, वेयर x नॉट इज द इलॉन्गेशन, तो x नॉट mg बाई k आ जाएगा एंड दैट mg बाई k इज गोइंग टू द मीन पोजिशन. नाउ बच्चों वो शुरुआत किया था यहां से, मीन पोजिशन आई कुछ नीचे, तो एम्पलीट्यूड यही तो होगा डिफरेंस बिटवीन मीन पोजिशन एंड जहां पे छोड़ा गया था उसे. सो दिस mg बाई k विल ऑल्सो बी इट्स एम्पलीट्यूड. ओके नाउ इन द सेकंड केस लिफ्ट वही है, सब कुछ वही है, बट लिफ्ट एक्सेलरेट भी कर रहा है, जिसकी वजह से लिफ्ट के अंदर से जब हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को देखेंगे तो एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, और वो सूडो फोर्स अभी भी नीचे ही लगेगा राइट, mg के ही डायरेक्शन में, क्योंकि सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है. सो इन दिस केस mg की जगह mg प्लस a आ गया, और जो एम्पलीट्यूड या जो मीन पोजिशन है वो mg बाई k की जगह mg प्लस a बाई k आ गया. तो दोनों केसेस में एम्पलीट्यूड अलग अलग है. ओके नाउ यू शुड नो कि जब भी किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम में
एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा होता है, ओके तो उस कांस्टेंट फोर्स की वजह से मीन पोजीशन तो शिफ्ट हो जाती है एज वी कैन सी है, बट उसके टाइम पीरियड में कोई भी चेंज नहीं होता। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो, अगर फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा हो तो हम नहीं कर सकते, मगर अगर फोर्स कांस्टेंट है देन इट डजंट चेंज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, सॉरी टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। पेंडुलम का चेंज हो जाएगा मगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का चेंज नहीं होगा, ओके सो दोनों केसेस में, इसमें mg और इसमें mg प्लस सूडो फोर्स सारे कांस्टेंट फोर्सेस हैं, तो उन दोनों की वजह से टाइम पीरियड जो है 2 पाई अंडर रूट m बाई k ही रहेगा, ओके एंड दैट्स व्हाई द थिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू चेंज इज टाइम पीरियड। नाउ मैक्सिमम स्पीड क्यों चेंज होगी, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड a इंटू ओमेगा होती है, टाइम पीरियड वही है तो मतलब ओमेगा भी वही है, एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, तो जब एक चेंज हुआ दूसरा नहीं हुआ तो मतलब ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन चेंज हो गया होगा, सो मैक्सिमम स्पीड विल ऑल्सो चेंज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेंडुलम्स, और नीट ने अब तक पेंडुलम से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है पिछले 5-6 सालों में, तो हो सकता है इस बार आ जाए, एंड मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिया है ताकि आपको एक अच्छा खासा व्यू मिल सके क्वेश्चन का, तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। ओके शुरू में जब उसे ऐसे लटका दिया गया तो वो ग्रेविटी के अंदर ही ऑसिलेट कर रहा होगा, सो वी नो कि टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है। यहाँ पे एक दो चीजें तुम नोट कर लो, पहला कि एल के वो रूट एल के प्रोपोर्शनल है, रूट जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कभी पूछा जाए कि चांद पे ले गया टाइम पीरियड कितने टाइम्स चेंज हो जाएगा, तो चांद की जी निकाल लेना, रेशियो ले लेना, ओके। दूसरी बात कि पेंडुलम के मास से टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है, तो मास उतनी हो, डबल हो जाए, क्वाड्रुपल हो जाए, टाइम पीरियड वही रहेगी, ओके। नाउ द सेकंड केस, पूरे पेंडुलम को हमने रख दिया एक रूम में जो वाटर से फिल्ड है, ओके तो अब mg के साथ साथ उस पर एक बायोन फोर्स भी लग रहा होगा, और जब ये पेंडुलम थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा तो mg के टॉक के साथ साथ बायोन फोर्स का भी टॉक लग रहा होगा, ओके सो लेट्स कैलकुलेट द इफेक्टिव फोर्स, है ना। तो इफेक्टिव फोर्स के लिए हम g इफेक्टिव निकालेंगे, एंड दैट g इफेक्टिव विल बी नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास। वहां पर जी इफेक्टिव पहले क्या था, सिर्फ जी, अब जी इफेक्टिव जो होगा वो एम जी माइनस बायोन फोर्स बाई मास होगा। बायोन फोर्स जो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम, वी वी कट जाएगा एंड दिस विल कम आउट टू बी जी कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस रो एल बाई रो एस। सो इस केस में टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, वेयर जी इफेक्टिव इज जी 1 माइनस रो एल बाई रो एस, और हमें पता है कि टाइम पीरियड डबल हो गया, सो दिस विल बी इक्वल टू 2t। नाउ 2t बाई टी विल बी इक्वल टू दिस बाई दिस, सॉल्व करेंगे हम, वी विल गेट दिस मच, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे एंड वी विल गेट रो एस बाई रो एल इज इक्वल टू 1.25। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 1.25 आ गई। नाउ इस क्वेश्चन को समझने में या फिर ये समझने में कि जी इफेक्टिव क्या होता है, कैसे निकालते हैं, या फिर बायोन फोर्स तो एक कांस्टेंट फोर्स है तो टाइम पीरियड कैसे चेंज हो गई, उसका टॉर्क किस तरह से इंक्लूड करना है, अगर आपको ये चीजें समझनी है तो आप मेरे SHM के कोर्स का सिंपल पेंडुलम्स वाला लेसन देख लें, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ओके नाउ बट समझना ये है कि जी की जगह हम जी इफेक्टिव ले लेते हैं, ठीक है। अब जी इफेक्टिव क्या है, अगर आपको आता है देन यू शुड बी फाइन। अब इसी में वैरायटीज क्या हो सकती है कि लिफ्ट के अंदर लिफ्ट एक्सेलरेट हो गई, तो उस केस में जी इफेक्टिव जो होता है वो जी प्लस ए या फिर जी माइनस ए हो जाता है डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, तो हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं और टी जो है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव आ जाता है। सो दैट्स द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन हैव इन सिंपल पेंडुलम्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, एक क्वेश्चन मैंने लिया है और ये क्वेश्चन शायद इस पूरे लेसन का सबसे आसान क्वेश्चन है, ये एनर्जी बेस्ड है क्वेश्चन, वो आप पढ़ लो, ये चार ग्राफ्स हैं आपके ऑप्शंस में, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहीं पे थोड़ा समझ लेते हैं। टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, तो यानी कि मीन पोजीशन पे जब था तो ये कंफर्म है कि उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, ये जीरो तो नहीं होगी। सो टी इज इक्वल टू जीरो पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ओके ना। इन दोनों ऑप्शंस में देखते हैं। सो टी इज इक्वल टू जीरो पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो दोनों में है, तो दोनों अभी तक तो ठीक है। दूसरी चीज जो इन दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस है वो ये है कि इसमें टी बाई टू पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई, इसमें टी बाई फोर पे। अब जरा सोचो, पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे है टी इक्वल टू जीरो पे, तो उसे अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने में कितना टाइम लगेगा, ऑफकोर्स कैपिटल टी बाई फोर, आई होप यू नो दैट मच, अगर नहीं जानते हो फिर बच्चों SHM तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ओके सो टी बाई फोर टाइम पे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, एंड वी नो एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड क्या हो जाती है, जीरो। सो काइनेटिक एनर्जी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जानी चाहिए, ऑफकोर्स जीरो, राइट। सो टी बाई फोर पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, अगले टी बाई फोर पे फिर से वो मीन पोजीशन पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, उसके टी बाई फोर टाइम पे फिर से उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि वो दूसरे साइड वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा। सो लाइक दैट, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ होता तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ का सॉल्यूशन ऑप्शन बी हो जाता, क्योंकि शुरू में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए थी, फिर टी बाई टू टाइम पे फिर से जीरो होती, फिर टी टाइम बाद फिर से जीरो होती। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टी बाई टू टाइम के बाद रिपीट हो रही है, सॉरी ये टी बाई टू टाइम के बाद, लेकिन जो
डिस्प्लेसमेंट होता है वो टी टाइम के बाद रिपीट होता है। सो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के रिपीटेशन का टाइम पीरियड हाफ है, या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम के कंपैरेटिवली। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एफ है तो उसके काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी या पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड द आंसर विल बी 2f। ओके, नाउ सो आई होप यू गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट लाइक दट प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल गाइज, एंड द नेक्स्ट लेसन विल बी ऑन वेव्स, सो वॉच इट फॉर श्योर। Thanks for watching.